दोस्तों, आखिर बूढ़े लोग जन्नत में क्यों दाखिल नहीं होंगे, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अक्सर अम्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करती थी और आपकी खिदमत भी किया करती थी। एक मरतबा उस बूढ़ी अम्मा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, मुझे जन्नत के किस दर्जे में दाखिल किया जाएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगी। ये बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कराते हुए उस अम्मा पर को दिलासा दिलाया और कहा कि अम्मा जान, आप गम न करें, आपको जन्नत में ज़रूर दाखिल किया जाएगा। लेकिन जब आप जन्नत में दाखिल होंगी तो आपकी उम्र 33 साल की होगी, यानी उस वक्त हर जन्नती की उम्र 33 साल की होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।